बैंक कर्मी की शादीशुदा महिला से अवैध संबंध का आरोप, लोगों ने की पिटाई। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, इन लोगों ने जबरदस्ती किया और कुछ नहीं है। हम कर लेंगे तो। बिहार में मॉब लिंचिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां अवैध संबंध के आरोप में उत्तेजित भीड़ ने प्रेमी और प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी। दोनों को घायल अवस्था में पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बंधन बैंक के एक कर्मी को खगरा हवाई अड्डा निवासी एक शादीशुदा महिला से उस वक्त मोहब्बत हो गई जब वह बैंक का कर्ज वसूलने के लिए उसके घर आने जाने लगा। बीते एक वर्ष से दोनों मोबाइल पर घंटों बात किया करते थे। महिला दो बच्चों की माँ है, उसका पति पेशे से ई रिक्शा चालक है। पति कभी कभी रात को घर नहीं लौटता था। मंगलवार को भी देर रात तक जब पति घर नहीं लौटा तो महिला ने प्रेमी को घर बुला लिया। जब प्रेमी उसके घर पहुंचा तो इसकी भनक आसपास के लोगों को लग गई। लोगों ने इसकी सूचना महिला के पति को दी। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी से घर का फाटक खोलने को कहा। महिला फाटक नहीं खोली तो ग्रामीणों की मदद से उसे तोड़ दिया गया। दोनों को कमरे में एक साथ देखकर पति और ग्रामीणों के पैर तले जमीन खिसक गई। पति सहित भीड़ ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। महिला को उसके पति ने घर से निकाल लिया। पति और आशिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, इन लोगों ने जबरदस्ती किया और कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं किया, ये तो ये लोग बदनाम करना चाहते थे, मुझे मुझे पता है। दोनों को कैसे पकड़ लिया, बताइए आप। वो घर में नहीं थे, गलत बात है। तो पूरा ग्रामीण आपके साथ खिलाफ थोड़ा जाएगा। पूरा ग्रामीण उसका जान भाई है, मेरा कोई नहीं है इसमें। हाँ, हम लोग एक साल से जानते हैं दूसरे को। आए? एक साल से दिन से ही जानते। ढाई बजे नहीं आए थे, 3:30 बजे आए थे। आए थे ना, तो क्यों आए थे, क्या संबंध है आपसे? तुम्हारे पास कैसे आ गया ये? आखिर 1 साल से तुम्हारा संबंध था ना ये से? हम लोग सिर्फ बात करते थे। अच्छा, ला रे। तो अब तो शादी करना चाह रहा है। काले से भाग गया तुम दे उरे। हैं? ऐसा होगा तो कौन नहीं बोलेगा। तो आप चाहती हैं शादी करना है? क्या? जो मेरी माँ बोलेगी हम वही करेंगे। अच्छा, ये लोग जो बोल रहा सब ठीक है, सब वही हुआ जो वो लोग बोल रहे वही है। तो लोन के लिए बैंक जाती थी आप? हाँ, मैं जाती थी खुद, ये मुझे लेके जाते थे। लोन लिए थे? हाँ, मैंने 3-3 में ले रखा है। क्या किस्त लोन? वही देने जाते हैं। एक जगह बंधन से ले रखा 50,000 और एक जगह 30,000, एक जगह 30,000, 1,10,000 रुपए लोन ले रखा है। एक साल तक दूसरे को जानते हैं? हाँ। कैसे? फोन पे बात। फोन नंबर कैसे मिला? फोन पे कलेक्शन लेने आते थे। फिर तभी से बात। आप लोग जो डिसीजन करिए। आपका क्या है? हम कर लेंगे। 2 बजे रात में हम गए थे, 2 बजे रात में हम काम पे गए थे। किसी ने मेरा कुत्ता उत्ता कोई आवाज़ दे रहा था। देने के बाद हमको कोई आदमी इन्फॉर्म दिया कि तुम्हारे घर में कुत्ता लग रहा है, ऐसा चोर उड़न है, क्या है, तो जाके देखो। तो हमला थोड़ा देर मेरे घर के सामने रहिए, आगे पीछे देखिए गाड़ी में कौन चोर है क्या है, नहीं है। तो हम आके गेट खोले तो हमारे घर में एक आदमी मिला। आप कहाँ गए थे? हम काम पे गए थे। टोटो चलाते हैं, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, कहीं भी टोटो चलाते हैं। प्रतिदिन रात में मतलब? हाँ, प्रतिदिन क्या करती नहीं करती इसका कहना मुश्किल है, ठीक है ना। हम ये सब चीज़ और नहीं जाते, हमें जानकारी मिला तब हम आए। देखे कि ये लड़का कपड़ा खोला हुआ है। आए तो आप बंद था, केवाड़ी बंद था, खिड़की बंद था। उसके बाद हम बताइए। उसके बाद बंद था तो हमने आवाज दिए हैं तो खोल नहीं रहा, तो खूब बोले बोले तो खोला। खोलने के बाद इनको पूछे क्या हुआ, क्या बोले कुछ नहीं हुआ, केवाड़ी के बगल में ये सटा हुआ था, कपड़ा खुला हुआ था, बस यही देखे और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर उसको ये भागने लगा, हम पकड़े उसको तो छुड़ाने लगी। तो बोला छोड़ दो कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दो। हम क्यों छोड़ देंगे, तुम्हारे 10 आदमी आया तो आवाज आवाज दिए तो पकड़ा करा इसको। अच्छा, तो मतलब ये जान पहचान कैसे दोनों में? जान पहचान क्या, लोन लेते हैं, बंधन वाले आते हैं, सहारा वाले आते हैं, कोई भी आता है, लोन लेते हैं। ग्रामीणों ने दोनों के बीच अवैध संबंध की बात करते हुए कहा कि इसका बुरा असर समाज पर पड़ेगा। मामले की जांच कर रही पुलिस ने भी मामले की पुष्टि की है। सूचना मिला था कि लड़की से शादीशुदा है, लड़का बहादुरगंज से आया है, प्रेम प्रसंग का मामला इसमें आ रहा है, इसकी कार्रवाई चल रही है। जाँच एवं कार्रवाई के बाद में जो भी सत्य पाया जाएगा उस पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। ये तो गलत है सर, सब गलत है। घर टूट गया, परिवार टूट गया, पति टूट गया, सब टूट गया।
ये तो गलत है सरासरी। कितने बच्चे, बच्चे का क्या होगा? दो बच्चा है, बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, घर बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए व्यवहार। इससे समाज पर कैसा असर पड़ेगा? तब बुरा असर पड़ेगा ना समाज पर, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। वो बहुत गलत किया है।